हेलो दोस्त, 3 RRB से अपडेट। RRB चेन्नई से सबसे बड़ा अपडेट, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 5 का रिजल्ट जारी हो चुका है, और वो भी 173 कैंडिडेट का। इसमें से 91 पोस्ट पहले से खाली थे और बाकी एब्सेंट मिला के, यानी कह सकते हैं कि एक अच्छा सेकंड पैनल भी जारी हो गया, यानी DB लिस्ट जारी हो गया है अच्छा खासा संख्या में। उसके बाद कोलकाता और अहमदाबाद से लेवल 6 का डिटेल अपडेट आ गया है, कोलकाता में भी और अहमदाबाद में दोनों का देखेंगे एक एक करके। हालांकि ये अपडेट थोड़ा 16 का पुराना है, 16 को शाम को या 17 को सुबह आया है, 16 के डेट का शो कर रहा है। तो इसको हम अब ओपन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं आपका चेन्नई वाला। चेन्नई का देखिए, ऑफिशियल डाटा वेबसाइट पे आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका कैंडिडेट थे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस गया था, उसमें पहले PDF दिखा दूँ तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि जितने लेवल 5 में कैंडिडेट जाने थे उसका कटअप के हिसाब से जो कैंडिडेट था यहाँ पे टोटल लेने थे इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1170 लोगों को, इन्होंने लिया था 1079 को, जिसके कारण से 91 वैकेंसी अभी खाली और रह गई थी। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये सबसे पहले का RRB था। तो सेकंड DB लिस्ट भी जारी हो गया है, वो सेकंड DB लिस्ट में 91 नहीं 173 कैंडिडेटों को कॉल किया गया है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेटों की संख्या टोटल 173 है जिनको कॉल किया गया है सेकंड DB में। इनकी DB के डेट अभी शायद बाद में आएगी, ऊपर में अभी DB डेट नहीं लिखा हुआ है। 1 मिनट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल अभी चल ही रहा है। उसके बाद देखिए एडिशनल में सेकंड DB में, हाँ 1 मिनट, नीचे की तरफ देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में अभी शायद आएगा, अभी इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए ई कॉल लेटर और वगैरह के लिए। तो कुल मिला के अगर 173 में देखेंगे, 91 पहले खाली था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 81 लोगों को और लिया है, यानी 81 लोग कम से कम जिनका कंडीशन क्लियर हो गया, वो सेकंड ब्लॉक डेट में भी नहीं गए, और या उनकी कोई और जेन्युइन इशू रहा जिसके कारण से 81 और लोगों को लेके टोटल ले लिया 173 का। तो ये चेन्नई का अपडेट है। उसके बाद दो और अपडेट है छोटे छोटे, दोनों अपडेट को एक बार ले लेते हैं। पहले अहमदाबाद से अपडेट है। अहमदाबाद में 16-12 के शाम में या 17 को सुबह लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का पैनल जारी हुआ। इस पैनल लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर के कैटेगरी नंबर 2 में 17 लोगों का लिया गया है। उसके बाद 3 AC कैटेगरी का, 12 OBC का और 6 EWS कैंडिडेट का लेके लिया गया है। उसके बाद इनकी कटअप जो अब फिलहाल ले रह गई 100 में से कटअप 61 UR का, AC का 58, OBC का 59.5, EWS का 57.24 तक। ST का कोई कैंडिडेट नहीं है इसलिए यहाँ पे खाली है। इसके बाद ये मतलब सेकंड पैनल जारी हो चुका है स्टेशन मास्टर के रूप में, पार्ट पैनल स्टेशन मास्टर। उसके बाद दूसरा अपडेट के लिए चलना पड़ेगा हमें कोलकाता, और कोलकाता का आजकल वेबसाइट थोड़ा अलग तरीके से खुल रहा है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कोलकाता के वेबसाइट पे थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद यहाँ वेबसाइट पे ओपन करेंगे NTPC। तो NTPC ओपन करने में देखिएगा सिक्योरिटी रीजन से आ गया, तो चलिए ये ओपन हो गया है, 16 के डेट में अपडेट हो गया, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए पैनल 4 लेवल 6 का, और ये 16 तारीख का ही दूसरा अपडेट है। इसको अगर लेंगे, उसके बाद मेडिकल अपील के लिए भी लोगों का 2 लोग हैं उनको भी बोल दिया है, तो इसको ओपन करेंगे तो इसे ओपन में हमारे पास ऑलरेडी है 35 लोग शायद दिख जाएँ आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर जो पोस्ट है इसमें आप देखेंगे ईस्टर्न रेलवे के लिए 7 कैंडिडेट का है, उसी तरह स्टेशन मास्टर साउथ ईस्टर्न रेलवे के टोटल 28 कैंडिडेट, 28 और 7 35 कैंडिडेट का, और 2 कैंडिडेट को बिल्कुल परमानेंट हटा दिया है जिनमें मेडिकल एग्जामिनेशन में पूरा कंप्लीट नहीं किया या रिजेक्टेड हो गए, यानी टोटल कंप्लीट नहीं किए उसके कारण से हटा दिया, यानी 35 लोगों का यहाँ, यानी करीब करीब कह सकते हैं अच्छा खासा अपडेट 16 तारीख में और 17 तारीख में आपका NTPC से आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।